आपके साथ भी एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ इस किस्म का उसके बारे में हमें बताइए जी मेरे एक छोटे भाई थे छोटे कज़न थे वो सड़क क्रॉस कर रहे थे और एक जीप जो थी वो जोर से आई टक्कर मारी उनको और टक्कर मार के भाग गई मेरे ख्याल हाँ से साढ़े तीन चार सौ लोग वहाँ से गुजरे होंगे या वहाँ पर उनमें से कई लोग वहाँ पर रुक के देख रहे थे लेकिन कोई भी सामने उनकी मदद करने नहीं आया उन्होंने एक पुलिस या एम्बुलेंस को फ़ोन तक नहीं किया और करीब पैंतालीस मिनट बाद वो इतना खून उनका बह चुका था कि वो वहीं स्पॉट पे उनकी डेथ हो चुकी थी तो जब ये मुझे पता लगा तब आ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उस उस सिचुएशन में गुस्सा आया लेकिन उसके बाद थोड़ा सेंस आया कि थोड़ा रिसर्च करा जाए क्या हुआ क्या है ये उस समय मैंने एक एक डिसीजन लिया कि मैं एक संस्था शुरू करूँगा और उस संस्था के थ्रू मैं इस मुद्दे पे काम करूँगा और सबसे पहला जो हमने काम किया वो ये कि हम पता लगाएंगे कि लोग क्यों नहीं आगे आते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी आपदाएँ आती हैं अगर बॉम ब्लास्ट होता है ट्रेन क्रैश हो जाती है लोग मदद करते हैं बिल्डिंग गिर जाती है तो सबसे पहले जो मदद करने वाले होते हैं वो आसपास वाले ही लोग होते हैं लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के केस में ये यही लोग झिझकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो मदद करेंगे तो उनके साथ शायद जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है और जो पुलिस की क्वेश्चनिंग है हॉस्पिटल में उनको रोक लिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगे जाते हैं उन कारणों की वजह से लोग जो है वो झिझकने लगे हैं अब आगे आने से उनको मदद डर है। लगता है कि वो फंस जाएंगे इसमें बिल्कुल तो उनके लिए भी कानून बनना चाहिए कि अगर मैं किसी की मदद करूं तो मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी देखिए क्या है विदेशों में उन्होंने अपने देश में एक गुड लॉ इंट्रोड्यूस करा हुआ है जो लोग मदद करना चाहते हैं जो हेल्प कर सके उनको इतनी तसली कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल बिल्कुल तो जब हमने अपना काम शुरू किया था हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि अभी हमारे कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत जो आदमी किसी की मदद करने आता है उसे हम बचा सकें दूसरा हमने काम ये करा कि हमने कहा कि ज्यादातर शहरों में पुलिस को आगे आना पड़ता है घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने के लिए तो क्या हम पुलिस को कुछ ऐसी इस प्रकार की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे कि वो घायल व्यक्ति को कुछ प्राथमिक चिकित्सा उसको प्रोवाइड कर सके बेसिक फर्स्ट एड बेसिक फर्स्ट एड उसको दे दे सकें और पिछले तीन साल में हमने करीब सात हजार पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करी है अच्छा। दिल्ली महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसका असर क्या हुआ पुलिस वाले जो हैं दिल्ली में वो कई जाने बचा पा रहे थे सिर्फ इस ट्रेनिंग को यूज करके और एक केस है जिसमें कि चार विदेशी नागरिक वो एक गाड़ी में जा रहे थे दिल्ली में वो एक एक ऐसे ट्रक के पीछे गाड़ी चला रहे थे जिसमें से कि सर बाहर निकल रहे थे ट्रक वाले ने इमीजिएटली ब्रेक मारी होगी और ये लोग संभाल नहीं पाए और चारों के चारों जो थे दो आगे और दो पीछे उन सभी के शरीर के पार जो थे वो सरिए चले गए चले गए तो जो आगे वाला था उसके छाती में से होता हुआ जो पीछे वाला था उसकी जांग में से निकल के वो वहां पर जाके सीट में वहाँ पर बंद हो गए थे तो जब हम पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं कि आप इन केसेस को कैसे हैंडल करें तो उसमें एक बेसिक प्रिमाइस होता है कि अगर शरीर में कुछ भी चीज़ घुसी हुई है चाहे वो सरिया हो चाकू हो या कोई भी चीज हो उसको आप बाहर जी तो वहां पर वो जो पुलिस टीम पहुंची उनको ये था कि इसको नहीं हिलाना है लेकिन इस केस में ऐसा था चक्कर कि सरिये इस तरीके से घुसे हुए थे कि उनको गाड़ी से बाहर निकालना मुमकिन था तो उन्होंने जो गैस कटर मंगाया उससे उन्होंने सरिये जो थे वो उन्होंने बाहर से काटे गाड़ी के बाहर से और गाड़ी को वो एज इट इज टो करके उसको अस्पताल तक ले गए वो लोग अभी भी उसमें थे लेकिन अस्पताल के गेट पे जब वहां पर पुलिस की गाड़ी पहुंची है और जब क्रेन पहुंची है इस गाड़ी को लेकर तब वहां पर ऑलरेडी गेट पर डॉक्टर थे गेट पर फायर ब्रिगेड वेट कर रहा था और जब जैसे जैसे फायर ब्रिगेड ने उसको काटना शुरू करा वैसे वैसे डॉक्टरों ने उनका उपचार करना शुरू करा और चारों की जान बच गई उसमें